अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आपका विद्युत धारा की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ लिया था अभी तक कि विद्युत धारा के स्रोत क्या क्या हैं, तो विद्युत धारा के दो स्रोत में बताए थे कि एक सेलो द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना और एक जनरेटर द्वारा ऊर्जा हम प्राप्त करना। तो सेलो के द्वारा कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। दूसरा रह गया था कि जनरेटर द्वारा हम कैसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इसका सेकेंड पार्ट है जनरेटर द्वारा। तो इसको इसमें क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और ये जो जनरेटर है या डायनमो है इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम चुंबकीय प्रभाव में इसको आगे के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें जो इसके जनरेटर होते हैं उसको उसको चलाने के लिए बहुत सी ऊर्जाओं का हम प्रयोग करते हैं, जैसे भाप ऊर्जा द्वारा हम जनरेटर चला सकते हैं, पवन ऊर्जा द्वारा, जल ऊर्जा द्वारा, ज़्यादातर जो हम लोग के कमर्शियल घर में जो जनरेटर्स होते हैं उसमें डीजल पेट्रोल आदि को डाल के हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो आज का मेन टॉपिक जो हम लोगों का है वो है, पढ़ने वाले जो हैं वो है विद्युत ऊर्जा के प्रभाव। तो विद्युत ऊर्जा के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं इसको समझने वाले हैं, विद्युत धारा के प्रभाव, इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला तो इसका प्रभाव है वो है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव मीन्स विद्युत धारा के द्वारा हम ऊष्मीय प्रभाव भी वस्तु में देखते हैं। इसमें होता क्या है, उसमें प्रभाव, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कंडक्टर, उस चालक के अपने रेजिस्टेंस के कारण उसमें एक हीट उत्पन्न हो जाती है, एक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, इसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। सिंपली वे में हम कह सकते हैं किसी चालक में विद्युत धारा के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है इस घटना को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। सिंपली है मतलब कि ही इसमें जो करंट है, विद्युत धारा की जो ऊर्जा है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बदल जाती है। इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, इसका यूज हम लोग जनरली हीटर्स में, हेयर ड्रायर में, फ्यूज में, हम लोग जो पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट में फ्यूज में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, घरों में यूज करते हैं। तो इन सब चीजों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो ऊष्मीय प्रभाव में हमें जो सीधा कि इसका अगर फॉर्मूला लिखने है कि ऊष्मा क्या प्रभाव पड़ा, कितनी विद्युत ऊर्जा जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बदल गई, उसका किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो हमें एक पहले तो समझ लेते हैं कि हम लोगों ने जब आवेश का फॉर्म, विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ा था, वी इक्वल टू डब्ल्यू वाई क्यू, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम इस W के लिए फॉर्मूला डिराइव करें तो V इंटू क्यू, तो ये जो कार्य किया गया सेल या बैटरी के द्वारा, यही जो कार्य है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि हम बोल सकते हैं ये जो कार्य है वही हीट है, और इसका भी फॉर्मूला V इंटू क्यू होगा, अगर हम V इंटू क्यू होगा। और तो एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है हीट के लिए, दूसरा फॉर्मूला अगर हम पढ़ रखे हैं Q इजकल टू आई टी, Q इजकल टू आई टी, तो Q का मान अगर इस फॉर्मूले में रख दें तो हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इंटू आई टी। वी इजकल टू एच इजकल टू वी इंटू आई टी, वी आई टी, ये फॉर्म बन गया। अगर हम आई इजकल टू वी बाई आर, ये हम लोगों को पता है V इजकल टू आई आर होता है, तो आई इजकल टू वी आई आर, आई का मान इसमें रख दें
तो हीट का फॉर्मूला क्या हो सकता है? एच इजकल टू वी इंटू आई की जगह वी रख दें, वी बाई आर इंटू टी, तो एच इजकल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। एक ये फॉर्मूला डिराइव हो सकता है एच के लिए। इसमें हमने आई का मान रखा, अगर हम इसमें वी का मान बदल के वी इजकल टू आई आर रख दें तो एच का फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसमें वी इजकल टू आई आर रख दें तो आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीट के लिए चार फॉर्मूलों से हम लोग हीट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यूनिट जूली रहती है। अब ऊष्मीय प्रभाव कारण, अगर कोई फॉर्मूला आता है एग्जाम में, ये कुछ यूनिट्स दे रखी हैं, अगर हीट का वैल्यू निकालने को आ जाए तो इन फॉर्मूलों से हम इजीली हीट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ऊष्मीय प्रभाव कारण एक चीज और समझ लेते हैं कि ऊष्मीय प्रभाव कारण हमने कहा कि इसका यूज हम लोग बल्ब में करते हैं, तो थोड़ा बल्ब का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बल्ब कैसा होता है। तो घरों में जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये एक कांच के कवर होता है, इस तरह का एक कांच का कवर होता है, ठीक है। इसके नीचे एल्युमिनियम या पीतल का कवर होता है जिसमें एक पिन लगी होती है दोनों तरफ होल्डर में फंसने के लिए, और यहाँ पे नीचे दो पिन होती हैं रांगा की। इसमें एक कांच का स्तंभ होता है, कांच की रॉड टाइप की दो इसमें रखी होती हैं इस तरह, कांच के दो स्तंभ होते हैं, ठीक है। इस पे ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं सब कांच में का ही है। इसमें दो एक चालक की इस तरह की स्तंभ होता है जिसपे हमारा एक वायर जो है वो इस तरह इस पे फंसा होता है। इससे हम दो सप्लाई के लिए जोड़ देते हैं, तो ये जो हमारा बल्ब का लगभग स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये जो सतह होती है बाहर ये कांच की होती है, ये सुचालक है मतलब कंडक्टर है, ये जो वायर होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो आर्गन या कोई भी अक्रिय गैस, ये पिन होती है। तो इसमें क्या होता है, पहले तो बल्ब को स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसकी जो अंदर की सारी गैस है, वायु है, हवा है, उसको बाहर निकाल देते हैं और इसके अंदर आर्गन या कोई अक्रिय गैस भर देते हैं। आर्गन अक्रिय गैस भरने से इसका जो ये क्रिया नहीं करता, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगती और ये सेफ रहता है। उसके बाद जो ये फिलामेंट का वायर होता है, जो टंगस्टन होता है, फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है, उसका गलनांक जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ताप पे भी ये गलता नहीं। तो जब इस बल्ब को होल्डर में, इलेक्ट्रिक होल्डर में लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, और इस ऊष्मीय प्रभाव कारण इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये हीटअप होता है, गलनांक बहुत ज़्यादा होता है तो गलता नहीं है और ये स्वयं तप्त हो जाता है, इसके कारण जो पूरी लाइट जो है कमरे में फैल जाती है और इसके द्वारा हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। तो अगला जो प्रभाव है उसको देख लेते हैं। अगला कौन सा प्रभाव है विद्युत धारा का, हमने पहला पढ़ लिया ऊष्मीय प्रभाव, तो दूसरा कौन सा प्रभाव है? चुंबकीय प्रभाव। दूसरा विद्युत धारा का प्रभाव क्या है? चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अगर किसी चालक में, कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है,
मतलब अगर इस किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चालक तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मान लीजिए ये धारा प्रवाहित हो रही है तो इस धारा के अराउंड एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी इसको हम राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इस वायर को इस तरह पकड़ें हाथ में, इस तरह को वायर को पकड़ें, तो ये जो अगर अंगूठा है मेरा, हमारा थंब है, वो करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग हो तो जो उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे इस तरह होगा, ठीक है। तो चुंबकीय प्रभाव हो गया कि किसी कंडक्टर में, किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला जो विद्युत धारा का प्रभाव है वह है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या होता है कि जब हम मान लीजिए कोई जल में नमक डाल दें या फिर जल में क्षार और अम्ल का घोल हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो क्या होता है ये जो अम्ल है, क्षार है, इनमें विघटन हो जाता है, आयनों में विघटन हो जाता है और उसमें एक रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। मतलब किसी अम्ल क्षार या किसी के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वे विघटित हो जाते हैं, इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, जैसे विद्युत लेपन में इसका उपयोग होता है, ठीक है, और धातुओं के शोधन में इसका वो यूज करते हैं। तो ये तीन प्रभाव थे विद्युत धारा के प्रभाव। अब हम समझ लेते हैं विद्युत धारा का पावर, विद्युत क्षमता, इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा के प्रभाव उन्होंने समझ लिए, बस एक छोटा सा चीज रह गया है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कैसे किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब कि एनर्जी को, मतलब क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक हीट जो थी उसको पर यूनिट टाइम से डिवाइड कर दें तो वो इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट करेगी। इसको हम पी से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है वाट। तो किया गया कार्य अपॉन टाइम, कार्य पर यूनिट टाइम जो होता है वो पावर कहलाता है, डब्ल्यू वाई टी इक्वल टू पी। यूनिट क्या होती है, वाट, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ रखा था, अब इसको हम W को H भी लिख सकते हैं, जो हमारी हीट एनर्जी, जो हम लोगों ने अभी उसमें प्रभाव में हीट के फॉर्मूले डेवलप किए, सारे फॉर्मूले यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। P इक्वल टू एच वाई टी, एच इक्वल टू क्या था, एच इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ रखा था वी आई टी, वी आई टी वाई टी, टी टी कैंसिल, तो पावर इजकल टू वी इंटू आई। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वी इंटू आई। अगर वी को आई के फॉर्म में कन्वर्ट करें, वी इजकल टू आई आर, आई स्क्वायर आर, ये पावर हो जाएगी। अगर आई को कन्वर्ट करें तो पी इजकल टू मीन्स पी इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर। इस तरह हम लोग पावर को डिनोट कर सकते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कमर्शियल यूनिट जो इलेक्ट्रिक पावर होती है, 1 किलो वाट आवर होती है, 1000 ये वाट में हो गया, इंटू 3600, तो ये हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये इसकी कॉमर्शियल यूनिट हो गई, 1 किलो वाट पर आवर, ठीक है, ये इसकी कॉमर्शियल यूनिट है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, हम लोगों ने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया, कि जनित्र पढ़ लिया, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इलेक्ट्रिक पावर, ये क्या होता है इसको समझ लिया। थैंक यू क्लास।